नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह से अपना पहला ही T20 वर्ल्ड कप का मैच हार गई। लेकिन इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस मुद्दे को लेकर बहुत तेज़ी से राजनीति हो रही है और अब हाल ही में एक IAS अधिकारी हैं जिन्होंने इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है इस मैच को लेकर। और उन्होंने टीम इंडिया को जहाँ नसीहत दी है तो वहीं कई सारी बातें उन्होंने बेहद ही गंभीर कही है। मैं आप सभी को लाइव वीडियो दिखाने वाला हूं। अगर आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद उस IAS अधिकारी को सुनते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इसलिए आप सभी को हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना ही चाहिए। आप सभी को पता होगा भारत पाकिस्तान से हारा नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह से हारा, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैच था और मैच को इतना भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा इन IAS अधिकारी का भी कहना है। ये IAS अधिकारी कौन हैं और इन्होंने किस तरह से अपनी बातें रखी हैं, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही और आपको लाइव वीडियो भी दिखाएंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको वीडियो देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि भारत पाकिस्तान से पूरे 10 विकेट से हारा है और ख़ास करके भारतीय बल्लेबाजों ने और भारतीय गेंदबाजों ने हमें बहुत ही ज़्यादा निराश किया। ना ही तो भारतीय बल्लेबाजों ने उस तरह की परफॉर्मेंस की जिसके लिए वो जाने जाते हैं और ना ही भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी में तनिक भर भी धार दिखी। अब इसी बीच एक IAS अधिकारी हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने जो बातें कही हैं ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने दिल की बातें कही हैं और ऐसा लग रहा है कि इनको भी एक झटका लगा है इस मैच को हार जाने के बाद और इसी वजह से इन्होंने ऐसी बातें कही हैं। दोस्तों, ये अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह IAS। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने एक ट्वीट किया सबसे पहले, इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो पहले ट्वीट की बात कर लेते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, इंडियन कप्तान विराट कोहली यदि योगी जी से कुछ सीख ले लेते तो पाकिस्तान से हार का दाग नहीं लगता। ये चतुराई आज योगी जी ने PM मोदी के हाथों 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण में भी दिखा दी। तो इस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी पर भी हमला बोला। इसके अलावा इन्होंने जो बातें कही हैं वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूं, तो यहां पर आप सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। कल पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया बुरी तरह हार गया। तमाम लोग बहुत निराश हो गए, तमाम लोग सोशल मीडिया पे किसी को कभी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, दो सारे लोग कर रहे हैं। यहां तक प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता, विराट कोहली को नहीं पता, हमारे BCCI के सचिव हैं जयेश राणा हो गए उनको नहीं पता। अगर आप सीखिए होते तो आज इतना प्रस्ताव आने का पूरे देश को क्या है, उनके पास कौन बोल रहा है? कोई काम मत करो, कोई विकास मत करो, केवल नाम बदलो। अभी जो तमाम शहरों के नाम शहर में कुछ किया अथवा नहीं किया, शहर स्मार्ट हुए अथवा नहीं हुए, अगर आप नाम बदलने का जो एक स्ट्रेटजी रणनीति है अगर सीख लो हमारे योगी से, तो ये थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान की टीम का नाम ही बदल दो। उसे मानो अफगानिस्तान की टीम है, मानो साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की नहीं, पाकिस्तान की टीम की जो तो है हाथ बंद कर कह दो तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से ये विराट कोहली को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और इसके अलावा इन्होंने अपनी बातें रखते हुए ये तक कहा कि इनको भारत को पाकिस्तान को पाकिस्तान समझकर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका या फिर अफगानिस्तान जैसी टीम समझकर खेलना चाहिए, शायद भारतीय टीम इतना दबाव महसूस नहीं करती। हालांकि इनके बोलने से ये प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत गुस्से में हैं और कहीं ना कहीं देश की गवर्नमेंट पर भी इनका काफ़ी गंभीर आरोप है, देश की गवर्नमेंट पर भी ये हमला बोल रहे हैं। खैर दोस्तों, राजनीति तो इन तमाम चीज़ों को लेकर होती रहती
रहती है जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, और यही राजनीति इन दो देशों के बीच के मैच को बेहद ही खास और बेहद ही रोमांचक बना देती है। आप सभी को पता होगा कैसे बहुत सारे क्रिकेट फैंस ने हवन कराया था इस वजह से ताकि भारत इस मैच को जीते, लेकिन हुआ वही जो कि मेहनत की वजह से होता है। और पाकिस्तानी टीम ने अच्छी मेहनत की, अच्छा दिमाग लगाया और फाइनली पाकिस्तान की मेहनत रंग लाई। लेकिन अब इस मैच को लेकर भारत में राजनीति तेज है। उम्मीद करते हैं कि राजनीति इस मैच को लेकर नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, यही सिर्फ एक IAS अधिकारी नहीं है जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, इससे पहले भी काफ़ी सारे अधिकारियों ने भारत की हार पर शोक जताया है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को पकड़कर और फिर राजनीति भी करनी शुरू कर दी है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।